हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर सब्जेक्ट कर रहे थे। इसके हमने फोर पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कन्वेंस ऑफ वाटर, इंट्रोडक्शन टू कन्वेंस। ठीक है, तो मतलब जो पानी है उसको हम कैसे कन्वे करें। ठीक है, तो कन्वेंस ऑफ वाटर होता क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करें अगर कन्वेंस ऑफ वाटर की, तो इसका मतलब होता है कि हम पानी कैसे, मान लेते हैं ये हमारे पास सोर्स है पानी का, यहाँ से पानी जा रहा है, मान लेते हैं ये रिवर है। ठीक है, इसमें से पानी जा रहा है, ये रिवर है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे घर हैं। ठीक है, ये घर है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पानी ले जाना है, तो उसको ही कन्वेयंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से घरों तक पानी ले जाना, उसको ही हम बोलते हैं कन्वेयंस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कन्वेयंस की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टू ट्रीटमेंट प्लांट आर रिजर्वायर आर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू कंड्यूट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, कन्वेंस का मतलब क्या होता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब एक जगह से हमने ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को, पहले ट्रीटमेंट प्लांट में, और ट्रीटमेंट प्लांट के बाद हमने वो पानी क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है उसकी पानी की हमने इंडिविजुअल घरों में। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से बताया आपको, रिवर से हमने पानी ट्रांसफर किया यहाँ पे, यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया होगा। ठीक है, हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया होगा, और ट्रीटमेंट प्लांट से हम क्या करेंगे, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाद में इन सारे घरों में। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं कन्वेयंस ऑफ वाटर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कन्वेयंस ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कन्वेंस की, तो हमारे पास पांच मोड है। ठीक है, पांच मोड हैं जिसके थ्रू हम पानी को कन्वे कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पानी को भेज सकते हैं। तो पांच मोड कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमारे पास ओपन चैनल्स। ठीक है, ओपन चैनल्स के थ्रू भी हम पानी भेज सकते हैं। ठीक है, देन एक्वाडक्ट्स हमारे पास होते हैं, उसके थ्रू भी हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। देन हमारे पास टनल्स आ जाते हैं, देन फ्ल्यूम्स आ जाती हैं और पाइप्स आ जाती है। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ओपन चैनल्स क्या होता है, एक्वाडक्ट्स क्या होता है, टनल्स क्या होते हैं, फ्ल्यूम्स क्या होती हैं, पाइप्स क्या होती हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन चीजों को देखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने कन्वेंस का जो फर्स्ट मोड था वो देखा था, वो था ओपन चैनल्स। ठीक है, तो ओपन चैनल के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये चैनल जो है ओपन रहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो पानी फ्लो करता है ये चैनल जो है ओपन रहते हैं। यहाँ पे इसकी जो डायग्राम है यहाँ पे दी है, ये है ओपन चैनल है। ठीक है, इस तरीके का ये किसी भी शेप में हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो शेप है यहाँ पे दी है, ये दिया हुआ है यहाँ पे वाटर लेवल, EWL क्या है, वाटर लेवल। तो यहाँ तक इसका पानी चल रहा है। ठीक है, तो सकता है किसी एरिया में पानी इसके हाफ तक ही पानी हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में पानी किस तरीके का है और आप कितना पानी फ्लो करवा रहे हो उस चैनल में। ठीक है, तो वो बाद की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। तो आपको ओपन चैनल के बारे में पता चल गया होगा, तो हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं ओपन चैनल के। तो फर्स्ट जो पॉइंट है ये हम बात करें, ये ओकेजनली यूज्ड। ठीक है, तो इसको ओकेजनली यूज किया जाता, मतलब ज्यादा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम बात करें इसकी ओपन चैनल की, तो ये ओपन रहता है एयर में, तो इसमें जो भी पोल्यूशन है वो जल्दी होने के खतरा रहता है। जैसे कि मान लो धूल मिट्टी भी इसमें आ सकती है और भी काफी सारे मटेरियल आ सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं टू कन्वे वाटर। ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू द ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, मतलब सोर्स जो मैंने आपको बताया, रिवर जो सोर्स था, उससे हम ट्रीटमेंट प्लांट में पानी भेजने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं ओपन चैनल को। ठीक है, इसकी हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इजली एंड चीपली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी इजी है और थोड़े से कम पैसे में हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सिंपली क्या करना पड़ता है, ग्राउंड है उसको कट करना पड़ता है। ठीक है, जो भी हाई ग्राउंड है उसको कट करना पड़ता है और जो भी लो ग्राउंड है उसमें फिलिंग करनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से हम जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस जो चैनल है इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें थर्ड पॉइंट की, द चैनल शुड बी लाइंड प्रॉपरली टू प्रिवेंट द सीपेज एंड कंटामिनेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी चैनल है वो प्रॉपरली लाइंड होना चाहिए। ठीक है, लाइंड का मतलब हो गया कि प्रॉपरली जो ये चैनल है, जैसे मैंने बनाया, अगर खाली मैंने मिट्टी का बनाया हुआ है तो इसमें क्या होगा, सीपेज होगी, जो भी पानी इसमें जाएगा वो इसमें सीप हो जाएगा, मतलब वो इसमें सीप होकर नीचे चला जाएगा और हमारे पास जो वाटर है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, एंड कंटामिनेशन, एंड कंटामिनेशन का मतलब होता है, मान लो अगर हमारे पास ये लाइन नहीं है, इसमें हमने ऊपर से सीमेंट नहीं लगाया या फिर इसको अच्छे से हमने कंप्रेस नहीं किया, तो क्या होगा, जो ये पानी है, एक तो सीपेज होगी, जो इसमें पानी है वो कम होते जाएगा, वो ग्राउंड में चलते जाएगा, और दूसरा क्या होगा, जो भी इस सॉइल में जो भी हार्मफुल साल्ट है वो इसमें पानी में मिल जाएंगे, नीचे से इसमें मिल जाएंगे, और जो कि हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एज वाटर फ्लोज ऑनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिफॉर्म लॉन्गिट्यूडनल स्लोप शुड बी गिवन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्लोप है इसमें हमें यूनिफॉर्म स्लोप देना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से हमें यहाँ पानी देना है, ठीक है, तो हम इसमें एक यूनिफॉर्म स्लोप दे देंगे, इस तरीके का स्लोप दे देंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्लोप इसलिए देंगे कि जो पानी है वो ग्रेविटी की वजह से फ्लो करे। ठीक है, पानी जो है ग्रेविटी की वजह से फ्लो करे और हमें जो पंपिंग कास्ट है वो ना लगे। मान लेते हैं अगर यहाँ पे ऐसे है, तो अगर हम यहाँ से, अगर हमने यहाँ तक पानी भेजना है, तो अगर हम इस तरीके से भेजेंगे तो पानी इजिली चला जाएगा, लेकिन अगर इसी को हम क्या करेंगे, पहले पाइप को इधर नीचे डालेंगे फिर आगे ले जाएंगे, तो वो पानी जो है हमारे जो मेन सोर्स है, मेन जो जगह है हमारी, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ठीक है, तो ये भी हमने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर तो अगर हमारे पास विलासिटी जो है वो ग्रेटर देन है परमिसिबल लिमिट से। ठीक है, अगर हमारे पास जो पानी की जो विलासिटी है वो किससे ज्यादा है, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है, तो क्या होगा, तो हमारे पास स्कोरिंग अकर करेगी। ठीक है, स्कोरिंग अकर करेगी। ठीक है, और जिसकी वजह से ये चैनल जो है खराब हो जाएगा। स्कोरिंग क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं इसमें पानी आ रहा है और उसकी विलासिटी ज्यादा है, विलासिटी ज्यादा होने से ये जो जगह है ये खुदना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये जो है इसकी मिट्टी जो बहना स्टार्ट हो जाएगी, आगे चली जाएगी, जिसकी वजह से ये चैनल जो है खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, ऑलवेज लॉस ऑफ वाटर बाय सीपेज एंड इवेपोरेशन। इसमें जो पानी का लॉस होता है वो सीपेज एंड इवेपोरेशन से होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है कि जो ओपन चैनल्स हमारे पास होती हैं उसमें जो लॉस होता है पानी का वो किसकी वजह से होता है, वो होता है सीपेज एंड इवेपोरेशन की वजह से। एक तो जो पानी इसमें से नीचे चला जाता है ग्राउंड में वो लॉस हो गया पानी का, और एक तो ये ओपन रहती है एयर में तो इसमें इवेपोरेशन होगी, ये पानी उड़ के हवा में चला जाता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर था किसका, हमने देखा ओपन चैनल्स का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है एक्वाडक्ट्स। ठीक है, तो अगर हम एक्वाडक्ट्स की बात करें तो पहले मैं आपको इसकी जो पिक्चर है वो दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो ये एक्वाडक्ट की हमारे पास पिक्चर है, ये यहाँ पे वाटर का लेवल है, ये देखो यहाँ पे आपको क्लोज दिख रहा है, तो ये एक्वाडक्ट क्या रहता है, क्लोज रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ये ऊपर से ये रॉक है। ठीक है, ये जो बीच में हमने डाला है ये है सीमेंट कंक्रीट और ये है वाटर का लेवल, ये सारा इसमें पानी है। ठीक है, तो इसको देख के ही आपको पता चल गया होगा, फिर भी हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये एक्वाडक्ट क्या होता है, क्लोज्ड कंड्यूट। ठीक है, क्लोज्ड कंड्यूट मतलब ये एक ऐसी कंड्यूट है जिसमें पानी ट्रांसफर होता है और ये क्लोज रहती है, मतलब जैसे कि पीछे पड़ा था ओपन चैनल वो ओपन रहता है, एयर में उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है लेकिन इसमें नहीं रहता। ठीक है, तो ये बना किसका बना होता है, कंस्ट्रक्टेड विद मशीनरी, जो भी मशीनरी है उससे बना होता है। तो कौन कौन सी मशीनरी यूज होती है हमारे पास इसमें वो हम देखेंगे। जैसे कि हम बात करें ब्रिक्स से ये बनता है, स्टोन से बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इसमें यूज होता है, तो इनमें से कोई भी हम इसमें यूज कर सकते हैं इसको तैयार करने के लिए। ठीक है, अगर हम ओल्डर डेज की बात करें, जो पुराने जो दिन थे उसमें अगर हम बात करें, तो उसमें जो रेक्टेंगुलर एक्वाडक्ट थे, रेक्टेंगुलर शेप के एक्वाडक्ट हम तैयार करते थे, लेकिन आजकल हम कौन से एक्वाडक्ट यूज कर रहे हैं, हार्ड शू। ठीक है, जो जैसे घोड़े के जो शू होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जो उसकी तरीके के हम बनाते हैं एक्वाडक्ट, जैसे ये है, और सर्कुलर सेक्शन जो है हम बनाते हैं एक्वाडक्ट। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कंस्ट्रक्टिव सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो मोस्टली इसको किससे बनाते हैं, हम सीमेंट कंक्रीट से तैयार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सीमेंट कंक्रीट देख रहे हैं, तो मोस्टली इसको सीमेंट कंक्रीट से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी रहती है वो, अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो वो 1 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर हमने एक्वाडक्ट को कंस्ट्रक्ट करना है तो। ठीक है, अगर पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए एक्वाडक्ट हमने बनाना है, तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकेंड हमारे पास होनी चाहिए। तो ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड की, वो है टनल्स। ठीक है, तो अगर हम टनल्स की बात करें, तो आपने टनल्स देखे होंगे, आपने रोड जो रोड के टनल्स देखे होंगे, रेलवे के टनल देखे होंगे, तो इसमें भी कुछ इस तरीके के ही टनल होते हैं, लेकिन वो जो होते हैं टनल्स, उसकी जो अंदर से जो स्पेस रहती है वो कम रहती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें टनल्स में, तो टनल्स जो होते हैं ग्रेविटी कंड्यूट्स होते हैं। ग्रेविटी कंड्यूट्स का मतलब होता है इसमें जो पानी फ्लो करता है ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो करता है, मतलब इसमें जो है मोस्टली ग्रेविटी से पानी फ्लो करता है। ठीक है, दैट मीन्स वाटर फ्लोज अंडर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस है उसकी वजह से पानी फ्लो करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना दूँ, तो टनल अलग अलग शेप के होते हैं, तो यहाँ पे अगर टनल में पानी जो पास करता है ड्यू टू ग्रेविटी पास करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करें समटाइम्स इसमें जो पानी फ्लो करता है प्रेशर से भी फ्लो करता है, अंडर प्रेशर से भी फ्लो करता है। ठीक है, और वो जो टनल है जिसमें पानी प्रेशर से फ्लो करता है उसको हम प्रेशर टनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर टनल की अगर हम बात करें, तो प्रेशर टनल क्या होता है, प्रेशर टनल वो टनल होता है जिसमें पानी फ्लो करता है अंडर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो ग्रेड टनल्स होते हैं। ठीक है, जो ग्रेड टनल्स होते हैं वो हॉर्स शू क्रॉस सेक्शन उसका होता है, हॉर्स का जैसे पेड़ है उसकी तरीके का क्रॉस सेक्शन होता है, और जो प्रेशर टनल्स रहते हैं उसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो भी ग्रेड टनल्स है, ग्रेड टनल यानी जिसमें ग्रेविटी से पानी फ्लो करता है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो हॉर्स शू शेप की तरह रहता है, और जो प्रेशर टनल्स रहते हैं वो सर्कुलर सेक्शन के रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो टनल है वो वाटर टाइट होना चाहिए। ठीक है, जो टनल है वाटर टाइट होना चाहिए, अगर वाटर टाइट नहीं होगा तो टनल में से पानी जो है लीक हो जाएगा और हमारे पास जो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। ठीक है, एंड शुड बी नो लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर वाटर टाइट होगा तो वहां पे लॉस नहीं होंगे, अगर वाटर टाइट टनल नहीं होगा तो क्या होंगे, लॉस होंगे हमारे पास टनल में। ठीक है, आई होप आपको सारे टॉपिक के जो सारे मैंने पॉइंट बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे कि टनल क्या होता है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेंस मोड जो है वो है फ्लूम्स। ठीक है, अगर हम फ्लूम्स की बात करें, तो इसको भी हम पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस तक। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या है फ्लूम में, ये फ्लूम जो रहती है ओपन चैनल रहती है, ये भी ओपन चैनल रहती है, लेकिन ये जो रहती है ग्राउंड के ऊपर रहती है। ठीक है, सपोर्टेड अबोव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, जो भी ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर रहती है, मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है तो इसके ऊपर से ही ये चैनल्स होती हैं। ठीक है, ऊपर से चैनल्स ये होती हैं, मान लेते हैं सर्कुलर कोई भी हम सेक्शन इसको दे सकते हैं, रेक्टेंगुलर सर्कुलर कोई भी दे सकते हैं, और ये ऊपर से ओपन रहती है, ये ऊपर से क्या रहेंगी, ओपन रहती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें फ्लूम्स की, इसको यूजली हम यूज करते हैं जो पानी कन्वे करना होता है हमें वैलीज में, या फिर हम बोले माइनर लो लाइंग एरियाज में, अगर पानी हमने कन्वे करना है एक जगह से दूसरी जगह वहां पे हम यूज करेंगे, या फिर ओवर ड्रेन्स। ओवर ड्रेन्स मतलब मान लेते हैं कोई एक ड्रेन पाइप जा रही है, गंदे पानी वाली पाइप जा रही है, उसके ऊपर से ही हमने अगर नीचे अगर हमारे पास पाइप जा रही है तो वहां पे हम जो ओपन चैनल है वो नहीं बना सकते, उसके लिए हमें फ्लूम बनाना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर से हमें एक नाली बनानी पड़ेगी जिसको हम फ्लूम बोलते हैं, तो उससे हम पानी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो बीच में, मान लो एक नाली हो गंदे पानी की, या फिर और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे कोई और वायर वगैरह हो,
वहां पे हमें इसका यूज करना पड़ सकता है फ्लेम्स का, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, ये जो फ्लेम्स है इसको हम आरसीसी से भी बना सकते हैं, आरसीसी मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से बना सकते हैं, इसको हम लकड़ी से भी बना सकते हैं, इसको हम मेटल से भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसके जो सेक्शन की बात करें हम, तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन भी इसके हो सकते हैं, इसको हम सर्कुलर सेक्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन दोनों में हमारे पास रहते हैं फ्लेम्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी फ्लेम्स भी पता चल गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर एक आपको एग्जांपल दे दूं फ्लेम्स की, तो जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पे आपके जो पीछे जो आपने देखे होंगे जो मक्की पीसने के लिए वो नालियां जो लगी होती थी ऊपर से जमीन के ऊपर से, तो उनको ही हम बोलते हैं फ्लेम्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स, ठीक है। तो अगर हम पाइप्स की बात करें तो ये जो है मोस्टली यूज होती है, मतलब जो पानी को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास मोस्टली जो यूज होते हैं कन्वेनियंस मेथड वो है पाइप्स का, ठीक है। तो पाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्या होती है, सर्कुलर कंड्यूट्स होती हैं। सर्कुलर कंड्यूट्स मतलब ये सर्कुलर शेप की होती हैं, सर्कुलर कंड्यूट्स होती हैं, इस तरीके की हम बात करें सर्कुलर कंड्यूट्स होती हैं, ठीक है। इन विच वाटर फ्लोज अंडर प्रेशर, जिसमें पानी जो है अंडर प्रेशर फ्लो करता है, ठीक है। ये पाइप जो है कास्ट आयरन की बनी होती हैं या फिर रॉट आयरन की बनी हो सकती हैं, स्टील की हो सकती हैं, सीमेंट कंक्रीट की हो सकती हैं, एस्बेस्टोस की हो सकती हैं, सीमेंट की हो सकती हैं, टिम्बर की हो सकती हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पाइप्स हम यूज कर सकते हैं वाटर को कन्वे करने के लिए। तो आपको कौन सी यूज करनी है वो डिपेंड करेगा कि आपका एरिया किस तरीके का है, आपके पास जो है कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास पाइप्स हैं वो आपको यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें वाटर पाइपलाइन फॉलो द प्रोफाइल ऑफ ग्राउंड। तो जो भी पाइपलाइंस हैं वो कौन से प्रोफाइल को फॉलो करती हैं, ग्राउंड के प्रोफाइल को, मतलब जिस तरीके का ग्राउंड होगा उस तरीके से ही हमें ग्राउंड के ऊपर हम पाइप बिछा देते हैं, ग्राउंड के नीचे भी हम इसको दबाते हैं और ग्राउंड के ऊपर से भी हम पाइपों को बिछा सकते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं इसकी लोकेशन जो है वो मोस्ट इकोनॉमिकल होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे हम इसको डाल रहे हैं वो मोस्ट इकोनॉमिकल हो, उसमें खर्चा ज्यादा ना आए इसको डालने में, ठीक है। और जो प्रेशर है पाइप में वो कम से कम काज हो, अगर प्रेशर ज्यादा काज होगा तो क्या होगा, हमारे पास पाइप जो है फट जाएगी और जिससे हमारे पास हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जिस में प्रेशर कम बने जिस पाइप में, वो पाइप हमें यूज करनी है और उस तरीके से लाइन को हमें बिछाना है, ठीक है। अगर इसकी कास्ट की बात करें, ठीक है, इसकी कास्ट की बात करें तो ये डिपेंड करती है किस पे, इसकी जो कास्ट है वो डिपेंड करती है इंटरनल प्रेशर, ठीक है, कि कितना इंटरनल प्रेशर बियर कर सकती है पाइप, मतलब कितनी पक्की है, हम बोले अगर सिंपल भाषा में तो कितनी पक्की पाइप है, कितना प्रेशर वो बियर कर सकती है। क्योंकि मान लो जैसे कि यहाँ पे पाइप जा रही है, इसमें भी पानी जाएगा, पानी जाएगा तो वो पानी जो है ये वाल्व पे प्रेशर क्रिएट करेगा, जो प्रेशर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से पाइप कभी भी फट सकती है। तो ये जो इंटरनल प्रेशर है उसको बियर करे वो जो है उस पर डिपेंड करती है इसकी कास्ट, और लेंथ ऑफ द पाइप पे डिपेंड करती है जो कास्ट है पाइप की, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो पाइप की लेंथ कितनी है और एक तो कितना ये प्रेशर बेयर कर पाती है। अगर मान लेते हैं कि ज्यादा प्रेशर बेयर कर रही है, इसका मतलब वो कास्ट ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा है पाइप की तो उसका मतलब भी हो गया कि हमारे पास जो कास्ट है पाइप की वो ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द वैली आर लो पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम वैली आर लो पॉइंट की बात करें, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का हमारे पास एरिया है, वैली है, इस तरीके की वैली है, ठीक है। तो वहां पे अगर हम पाइप डाल दें, यहाँ पे पाइप हमने डाली है, तो यहाँ पे स्कोर वाल्व हमने प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। स्कोर वाल्व क्या होता है, स्कोर वाल्व की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे मैंने पाइप डाली, ये मैंने पाइप डाली, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर वाल्व का मतलब होता है जो भी गंदगी जो आती है ना, मतलब पानी में, आपको पता है पानी जब आता है पीछे से सोर्स से आएगा, उसमें थोड़ी बहुत जो होगी गंदगी होगी, जो भी है डस्ट वगैरह होगी, डर्ट वगैरह होगी, और भी पत्ते वगैरह होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, अगर इस तरीके का एरिया है तो इस तरीके से आके ये यहाँ पे जमा हो जाएंगे और इस एरिया को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वाल्व या फिर ओपनिंग रखी जाती है जिससे कि वो सारी गंदगी बाहर निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो वैली लो पॉइंट होता है उस पर हम स्कोर वाल्व प्रोवाइड करते हैं, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो स्कोर वाल्व हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू ड्रेन द लाइन
एंड रिमूविंग एक्युमुलेटेड सस्पेंडेड मेटल, ठीक है। तो जो भी लाइन है उसको खाली करने के लिए, और जो भी हमारे पास सस्पेंडेड मेटल है, जो भी इस पानी में जो जो भी हैवी चीज है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी के साथ साथ इसका ऑपोजिट है, अगर हमारे पास कोई हाई पॉइंट है, अगर हाई पॉइंट की अगर हम बात करें, जैसे कि हम इस तरीके के एरिया की बात करें, तो यहाँ से अगर पाइप जा रही है हाई पॉइंट से, हाई पॉइंट से अगर पाइप जा रही है, तो वहां पे एयर रिलीफ वाल्व हम प्रोवाइड करते हैं। एयर रिलीफ वाल्व क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जहां से अगर पानी जा रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, तो ये प्रेशर जो है यहाँ से प्रेशर को रिमूव करने के लिए हम एयर रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिमूव द एक्युमुलेटेड एयर, जो भी एयर इसमें एक्युमुलेट हुई होती है पानी में, पाइप में जो पानी में एयर जमा हुई होती है उसको बाहर निकालने के लिए हम एयर रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, टू प्रिवेंट द बर्स्टिंग ऑफ पाइप, ठीक है। जो भी बर्स्टिंग है, अगर हमारे पास पाइप ना फटे, उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्ज टैंक या फिर स्टैंड पाइप्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सर्ज टैंक और स्टैंड पाइप्स हम प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे, एंड ऑफ द पाइप पे, ठीक है। क्योंकि जो पानी की जो पाइप्स है वो किसकी वजह से बर्स्ट करती है, वाटर हैमर की वजह से, ठीक है। वो वाटर हैमर की वजह से बर्स्ट ना करे, इसलिए हम क्या डालते हैं, सर्ज टैंक एंड स्टैंड पाइप्स, ठीक है। सर्ज टैंक्स और स्टैंड पाइप हम डालते हैं जिसकी वजह से जो पाइप्स है वो बर्स्ट नहीं करती। मान लेते हैं ये एक पाइप जा रही है, ठीक है, ये इसका एंड है, यहाँ से दूसरी पाइप है, यहाँ से तीसरी पाइप है, तो हम कुछ लेंथ के बाद क्या करते हैं, सर्ज टैंक बनाते हैं, कुछ एक टैंक टाइप का बना देते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ से फिर से पाइप स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, जो भी पानी आ रहा है इसमें से, इसमें बहुत सारा प्रेशर होता है, ठीक है। इसे प्रेशर से क्या करता है, इसमें पाइप में हैमरिंग एक्शन होता है, जो इसकी वाल्स है इस पे हैमरिंग एक्शन आ जाता है, मतलब हैमर मतलब किसी को हथौड़ा मारना, तो पानी की वजह से इसमें हैमरिंग एक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से ये पाइप क्या हो सकती है, बर्स्ट कर सकती है, ये ब्लास्ट कर सकती है, फट सकती है, ठीक है। इसकी इसके लिए हम यहाँ पे एक टैंक प्रोवाइड करते हैं, टैंक क्या करता है, जिसमें पानी स्टोर होता है, और इसमें से आगे जो पानी जाएगा उसकी वेलोसिटी वगैरह प्रेशर वगैरह कम रहता है, जिसकी वजह से बर्स्टिंग एक्शन जो है हमारे पास कम हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स फॉर सिलेक्टिंग ऑफ मटेरियल फॉर द पाइप, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हम देखते हैं पाइप का जो मटेरियल सेलेक्ट करने से पहले, कि कौन से पाइप हम यूज करें, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइप, जो कैरिंग कैपेसिटी है पाइप की वो कैसी है, कितना पानी वो कैरी कर सकती है वो हम देखते हैं। ड्यूरेबिलिटी एंड लाइफ देखते हैं, कि मतलब जो पाइप है उसकी लाइफ कितनी है, अगर लाइफ ज्यादा होगी तो हम उस पाइप को ज्यादा यूज करेंगे, कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी उस पाइप को हम यूज करेंगे, ठीक है। देन हम देखते हैं टाइप ऑफ वाटर टू बी कन्वेड, मतलब किस तरीके का पानी हमने कन्वे करना है। मान लेते हैं एक तो साफ पानी कन्वे करना है तो उसके लिए अलग पाइप यूज होगी, अगर हमने जो वेस्ट वाटर को कन्वे करना है तो उसके लिए अलग पाइप यूज होगी, या फिर हम बात करें जैसे जहां पे क्लोरोसिव एक्शन होगा, जहां पे क्लोरोजन वगैरह होगा, तो वहां पे हम प्लास्टिक पाइप यूज करेंगे, तो उस तरीके का हमारे पास यहां पे है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ठीक है, कितने फंड्स हमारे पास अवेलेबल है, अगर ज्यादा फंड्स अवेलेबल है तो हम हाई कास्ट वाली पाइप भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमें लो कास्ट वाली पाइप से ही काम चलाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें मेंटेनेंस कास्ट, उसको मान लेते हैं एक बार हमने स्कीम डाल दी, लाइन डाल दी, उसके बाद उसमें कितनी कास्ट लग रही है मेंटेन करने के लिए और रिपेयर करने के लिए, वो भी हम फैक्टर देखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी जो फैक्टर्स की बात करें ओवरऑल, तो जो पाइप का मटेरियल हम सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्ट करते हैं जिसमें जो एनुअल कास्ट है, एनुअल कैपिटलाइज्ड कास्ट है वो कम लगे, मतलब टोटल कास्ट जो है उसमें कम लगे, उस मटेरियल को हम सिलेक्ट करते हैं, दैट मीन जो मोस्ट इकोनॉमिकल हो खर्चे के मामले में उसको हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो मोस्ट हमारा जो मेन एम होता है वो रहता है कास्ट का, अगर कास्ट हमने कंट्रोल कर ली तो बाकी चीजें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एनी हो बाकी चीजें भी कम हमें कंट्रोल करनी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ ही कास्ट के साथ साथ ही आपको ये ध्यान देना है, जैसे कि मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे बताई, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।